हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी एपीआई से एचटीटीपी रिस्पांस कोड भेज सकते हैं। ठीक है, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट कोड क्या होते हैं? वो तुम्हारा गेट, पुट, पोस्ट, ये सब होता है। ठीक है, तो उस कोड्स का यूज़ करके, जैसे हम लोग ने यहाँ से ये सेलेक्ट किया सारी चीज़ें, ये सब एचटीटीपी रिक्वेस्ट कोड होते हैं। तो इसका यूज़ करके हमने एपीआई क्रिएट कर ली। अब हमें मान लो रिस्पांस कोड जो ये होता है स्टेटस, इसमें मान लो हमको चाहिए कभी 500 कभी 400 डिपेंडिंग अपॉन द नीड, तो वो हम लोग कैसे सेंड करते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं आज। तो लेट सपोज ये हमारी एपीआई है अभी। ठीक है, तो हम लोग रिस्पांस एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो हम लोगों को रिस्पांस में भेजना है क्या? रिस्पांस एंटिटी। उस रिस्पांस एंटिटी के अंदर दो चीज़ें होंगी। ठीक है, एक होगा तुम्हारा मैसेज और एक होगा तुम्हारा एचटीटीपी रिस्पांस कोड। तो यहाँ सब स्ट्रिंग को हटा करके इधर यूज़ करेंगे रिस्पांस एंटिटी, और यहाँ पर जेनरिक में पास करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, मान लो अगर हम स्ट्रिंग पास कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पांस एंटिटी, ये करेंगे न्यू रिस्पांस एंटिटी। यहाँ पर पास करेंगे अपना स्टेटस, ठीक है, कि मान लो रिसोर्स गेटिंग रिसोर्स मान लो लिख दिया, और इधर लिख दिया https status.ok। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम मान लो चलाते हैं वापस, तो यहाँ पर अगर हम इसको वापस से गेट API चलाते हैं इसको, तो गेटिंग रिसोर्स तुम देख सकते हो स्टेटस आया ओके। ठीक है, तो ये था एक सिनेरियो हमने समझा कि जिसमें मान लो हमने HTTP रिस्पॉन्स कोड जो है वो 200 है, मतलब कि ओके। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल हमने ओके का देखा। अब अगर मान लो कोई एक एग्ज़ाम्पल हमें देखना हो कि जो हो तुम्हारा, लेट सपोज 201 का मतलब क्रिएटेड, तो वो कैसे करोगे? तो रिटर्न न्यू रिस्पांस एंटिटी, यहाँ पर लिख दो तुम क्रिएटेड, रिसोर्स क्रिएटेड, या कुछ भी मैसेज दे दो कि क्रिएटेड। लेट सपोज मैसेज तुम कुछ भी दे सकते हो, वो तुम्हारी API की वर्किंग के ऊपर है, https status.created। तो तुमने यहाँ देखा कि हमने क्रिएटेड लिख दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका कोड आ जाएगा 201। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, तो 201 आ गया क्रिएटेड। ठीक है, द रिक्वेस्ट हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड रिजल्टेड इन अ न्यू रिसोर्स बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, तो ये 201 तुम्हारा था, इसका मतलब ये, तो ये जो तुम है, इस ये जो बेसिकली चीज़ है, इसको तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो पोस्ट API में, क्योंकि जब तुम रिसोर्स क्रिएट करते हो तो यहाँ तुम मेंशन कर सकते हो कि रिसोर्स क्रिएटेड, और यहाँ पर रिस्पांस एंटिटी ले लो। ठीक है, यहाँ पर रिस्पांस एंटिटी ले लो, इसको तुम अनकमेंट कर दो ये वाला, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग हम क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो रिस्पांस एंटिटी का कंस्ट्रक्टर होता है, ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला आर्ग्यूमेंट हो जाता है तुम्हारा बॉडी, जो कि यहाँ शो होगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है तुम्हारा HTTP रिस्पांस कोड। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम वापस हिट करते हैं लेट सपोज, और अगर यहाँ पर लेट सपोज हम गेट API हिट करते हैं, तो ये 200 कॉल हुआ, मतलब ये वाला API कॉल हुई। ठीक है, तो रिसोर्स तुम्हारा गेट हो गया। अब अगर मान लो तुम पोस्ट API यूज़ करते हो और यहाँ पर लिख देते हो पोस्ट, तो रिसोर्स क्रिएट हो गया है, तो 201 आ गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम्हारे पास और भी कई सारे रिस्पांस कोड होते हैं, वो तुम देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि जिसमें 200 हो गया, 201 हो गया मतलब रिसोर्स क्रिएटेड, 301 का मतलब परमानेंटली रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो लेट सपोज अभी क्या है कि कोई अगर हमने मान लो API है, गेट API है ये, इसको हम यहाँ से क्या है रिडायरेक्ट भी भेज सकते हैं। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, परमानेंट रिडायरेक्ट, टेम्परेरी रिडायरेक्ट। तो परमानेंट रिडायरेक्ट होता है तुम्हारा 301। ठीक है, परमानेंट रिडायरेक्ट होता है तुम्हारा 301। अगर इसको तुम वापस रन करोगे तो यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, हम अलग अलग API क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये, अब एक API क्रिएट कर लेते हैं, मान लो एक और API गेट की ही क्रिएट कर लेते हैं चलो हम। ठीक है, गेट की ही एक दूसरी API क्रिएट कर लेते हैं, गेट API परमानेंट रिडायरेक्ट। ठीक है, गेट API परमानेंट रिडायरेक्ट, और यहाँ पर API का नाम दे देंगे पी
रिडायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे रिडायरेक्ट, परमानेंट रिडायरेक्ट। अभी इसको अगर हम वापस रन करते हैं और अगर हम ये एपीआई हिट करते हैं, मान लो गेट की, ठीक है, गेट की अगर हम ये एपीआई हिट करते हैं और यहाँ पर गेट चूज़ कर लेते हैं, तो लिख कर आ जाएगा रिज़ल्ट इनकम्प्लीट, 308 हो गया ये, तो ये तुम्हारा हो गया परमानेंट रिडायरेक्ट, ठीक है। तो इसको एक बार वापस रन करते हैं, गेट ए पी आई स्लैश गेट हाइफन ए पी आई हाइफन पी रिडायरेक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा 308 स्टेटस है, रिज़ल्ट इनकम्प्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, https status डॉट यहाँ पर क्या है, रिडायरेक्ट, ठीक है, तो ये तुम्हारा रिडायरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से तुम कोई भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा जैसे परमानेंट रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद लेट्स सपोज हम एक API बना लेते हैं नॉट फाउंड की, मान लो कि रिसोर्स नॉट फाउंड, मतलब जो रिसोर्स तुम फाइंड कर रहे थे वो रिसोर्स फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने एक API बना ली फाइंड यूज़र करके, जिसमें यूज़र जो है एक ID देगा, ठीक है, फाइंड यूज़र करके एक API बना ली जिसमें यूज़र जो है ID देगा, फाइंड यूज़र बाय ID, और यहाँ पर लिख दिया पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल INT ID, ठीक है। अब मान लो यूज़र को वो नहीं मिला, मान लो यूज़र को जो है वो बंदा नहीं मिला, तो यूज़र यहाँ से सिंपली लिख देगा, सिंपली यूज़र लिख देगा ID, दिस ID नॉट फाउंड, ठीक है, और यहाँ दे देगा नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको पोस्ट मैपिंग होना चाहिए था, पोस्ट मैपिंग, तो इसको अगर हम वापस अभी रन करते हैं, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट चूज़ करेंगे और इधर लिखेंगे फाइंड यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने फाइंड यूज़र स्लैश 11, तो यहाँ देख सकते हो 11 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड आ गया। तो तुम देख रहे हो कि किस तरीके से हम लोग HTTP रिस्पॉन्स कोड को भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स भेज रहे हैं बेसिकली यूज़र को। तो हम लोग ने 404 देख लिया, ठीक है। अब मान लो 401 है, मान लो अनऑथराइज्ड है, ठीक है, मान, तो यहाँ पर लेट सपोज एक API बनी हुई है गेट API, जिसमें बंदा एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सब एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, असल में ऐसा होता नहीं है। देखो, एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी में यहाँ पर गेट एडमिन डैशबोर्ड करके एक API बनी है, लेकिन बंदा वो ऑथराइज्ड नहीं है एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग भेजेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यू आर अनऑथराइज्ड, और यहाँ पर स्टेटस भेज देंगे https status डॉट अनऑथराइज्ड, ठीक है। अब इसको अगर हम वापस रन करते हैं, तो तुम देखना यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड की जो गेट API है, अगर इसको हम हिट करते हैं यहाँ से और गेट API भेजते हैं, तो इधर आ जाएगा 401 अनऑथराइज्ड, यू आर अनऑथराइज्ड, ठीक है। तो हम लोग ने 401 देख लिया, अब एक 500 देख लेते हैं, जो कि वो भी एक कॉमन है काफ़ी। तो लेट सपोज क्या हुआ, यूज़र ने कोई एक गेट API या मान लो पोस्ट API भी क्रिएट करी, ठीक है, पोस्ट API यूज़र ने क्रिएट करी, मान लो डिलीट यूज़र करने के लिए, ठीक है, एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जांपल ले लिया ऐसे ही। तो यहाँ पर यूज़र ने डिलीट यूज़र करके एक API क्रिएट करी, तो वैसे हम यहाँ पर डिलीट मैपिंग यूज़ करेंगे, डिलीट यूज़र करके, और उसने यहाँ पर ID पास करी है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर पाथ वेरिएबल से जो है गेट कर लिया है INT ID, ठीक है, INT ID। अब इसके बाद वो मान लो यहाँ पर क्या हो गया कि समथिंग वेंट रॉन्ग हमने लिख दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो HTTP स्टेटस इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। तो अभी इसको अगर हम रन करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, डिलीट यूज़र, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो है डिलीट यूज़र हो जाएगा, DELETE स्लैश यूज़र पोस्ट डिलीट API हम यहाँ से भेजेंगे स्लैश 11, ठीक है। तो समथिंग वेंट रॉन्ग, इंटरनल सर्वर एरर, तुमने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर डिफरेंट जो है यहाँ पर हम लोग HTTP रिस्पॉन्स कोड भेजते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या कॉन्सेप्ट समझा, रिस्पॉन्स
एंटिटी एंड हाउ टू सेंड HTTP रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, गिट पुश। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट इसके बाद हमारा ये होने वाला है, रिस्पॉन्स एंटिटी हमारा हो गया कि स्प्रिंग बूट हमारा, देखो जो अब जो है हम लोगों ने REST API बनाना क्रिएट कर लिया। अभी तक जो है ये जो हम लोग कंट्रोलर के थ्रू API बनाते थे, ये REST API नहीं थी एक्चुअली में। REST API जो स्प्रिंग बूट में बनती है वो एक्चुअली में यही होती है जो स्ट्रिंग्स खाली रिटर्न करती है या फिर ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं वो। तो अब इसका यूज़ करके हम लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, बुक स्टोर टाइप की, बुक स्टोर टाइप की एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग जो है देखते हैं, प्ले अराउंड करेंगे कि कैसे REST APIs का यूज़ करके हम डेटा सेव करते हैं, वो भी डेटाबेस में। ये सब नॉर्मल इस तरीके से नहीं होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी डेटाबेस की एग्जैक्टली सेम रहेगी, यही जो हमारी ऑलरेडी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।